ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय शिव शंभु। अगर आप भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर रहे, आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा रहे, चीज़ें बहुत अच्छी आपकी लाइफ में हो, चीज़ें जितनी सारी खराब हो रही है वो अच्छी हो, और अगर वर्तमान में सब चीज़ें अच्छी चल रही तो ये हमेशा अच्छी चलती रहे, उसके लिए आपको ये 5 अचूक उपाय अपने घर में अवश्य रूप से करना ही चाहिए। जिन भी जातकों ने इन 5 उपायों को अपने लाइफ में अपनाया है, उन्होंने 9 ग्रहों की शांति को प्राप्त किया है। 9 ग्रहों से संबंधित जितने सारी विकार हैं, परेशानी है, उनमें उन्हें बहुत रिलीफ मिला है। अब आपको अपनी कुंडली के बारे में विस्तार से नहीं पता है, तब भी अगर ये करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी और आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। अब वो कौन से उपाय, उन उपायों को बहुत गंभीरता से, बहुत शांति से सुने। एक कापी और पेन अगर आप हो तो नोट कर ले, जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उन्हें बहुत शांति के साथ अपने घर में आपको करना है। अगर आप करेंगे आपके लाइफ में आने वाले 7 दिनों में और 11 दिनों में एक सकारात्मक बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहला उपाय आपके साथ साझा मैं करूं, उससे पहले एक निवेदन है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वर्तमान जीवन में कोई तकलीफ, परेशानी या किसी भी प्रकार से आप परेशानी से गुजर रहे हैं, कोई प्रश्न जो आपको परेशान कर रहा है, स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस शुल्क लागू है। दोस्तों, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान पता होना अनिवार्य है। सबसे पहला काम आपको करना है कि अपना मुख्य जो दरवाजा है, मुख्य दरवाजे पर साइड और अपोजिट साइड दोनों जगह पर गणपति चिपकाना है। मतलब गणपति जी का एक फोटो ले और वहां पर आराम से आप लगा दे, दरवाजे के ऊपर लगाए तो जहां पर आप लगा रहे हैं उसके अपोजिट साइड भी लगाना है, ये आप समझ जाइएगा। दूसरा उपाय ये करना है कि अपना जो घर का दरवाजा है उसे हमेशा रंग रोगन रखे, साफ रखे, क्योंकि मुख्य दरवाजे पे ही माँ लक्ष्मी का वास होता है। मुख्य दरवाजे से ही आपके जीवन में, आपके घर में दरिद्रता आती है, शुभता आती है, अशुभता, सब चीज़ें मुख्य दरवाजे से ही एंटर होती है। तो मेरा निवेदन है कि हमेशा मुख्य दरवाजा साफ सुथरा अच्छा रखें, वहाँ पर गंदगी ना हो, कोशिश करें साफ रखने की। तीसरा बात है कि अपने मुख्य दरवाजे पर आप एक नारियल लें, काले कपड़े में नारियल लें या लाल कपड़े में लें। काले कपड़े में न बांधें क्योंकि काले कपड़े में लोग नेगेटिव तरीके से देखते हैं, इसलिए लाल कपड़े का प्रयोग करें, पर आप काले कपड़े का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो लाल कपड़ा लें और उसमें नारियल बांधें और नारियल बांधकर अपने मुख्य दरवाजे पर उसे आपको बांधना है। उस नारियल को पहले भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें, भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के बाद उस नारियल को लाल कपड़े में बांधकर आप अपने मुख्य दरवाजे पर लगा सकते हैं, रख सकते हैं। उससे आपके घर में जितनी सारी नकारात्मक एनर्जी होगी वो अंदर नहीं जाएगी और भगवान भोलेनाथ उन एनर्जियों को घर से बाहरी रखेंगे और आपके घर में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होगा, आपके घर में खुशहाली होगी, कलह से आप बचेंगे, जीवन में जितनी सारी नेगेटिविटी एकदम से हमारे लाइफ में हावी हो जाती उस सभी बाधाओं से आप हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। इसके साथ ही साथ नियमित अपने घर में तुलसी माँ के यहाँ पर, तुलसी माँ के यहाँ पर दीपक लगाएं और तुलसी के पौधे के साथ दीपक लगाने के साथ साथ ही अपने घर में गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें या रामायण का पाठ करें। ओम नमः शिवाय।